हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अशोक फार्म में मेलाघाट मुख्य सड़क से लेकर खाली महुवट गुरुद्वारे तक लगभग 650 मीटर सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड सीएम पत्नी गीता धामी ने विधिवत भूमि पूजन कर किया। इस दौरान सड़क शुभारंभ पर स्थानीय ग्रामीणों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी का आभार व्यक्त किया। वहीं गीता धामी ने बताया कि आज अशोक फार्म में 650 मीटर सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ है। इसके साथ ही अनेकों सड़कों का भी शुभारंभ हुआ। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में कई सैकड़ों सड़कें बनाई जा रही हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह और खुशी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के विकास और जनहित में लगातार नए नए निर्णय ले रहे हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, जिससे लोगों में काफी जोश और उत्साह है। उन्होंने कहा कि इस बार फिर युवा शक्ति ने ठाना है कि मुख्यमंत्री धामी को भारी मतों से खटीमा क्षेत्र से विजयी बनाएंगे। विधानसभा क्षेत्र खटीमा में आपके अशोक फार्म से खाली महुवट गुरुद्वारे तक 650 मीटर सड़क का आज भूमि पूजन हुआ है। इसके साथ ही अनेकों सड़कों के शुभारंभ हुए हैं और सैकड़ों सड़कें हमारे विधानसभा क्षेत्र खटीमा में बनने जा रही है, और इससे बहुत ही खुशी लोगों में है, बहुत ही जोश है। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए नए निर्णय ले रहे हैं, जनहित के लिए एक के बाद एक जो है जन कल्याणकारी योजनाओं को ला रहे हैं, इससे पूरे उत्तराखंड में बहुत ही जोश है। और इस बार खटीमा वासियों ने ठाना है कि इस बार युवा सरकार साथ के पार के लक्ष्य को प्राप्त कराएगी और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को विजय बनवाएगी। पुष्कर धामी। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।